हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम होम साइंस टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में मानव श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा, मनुष्य का श्वसन तंत्र ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें एक चित्र भी आप सबको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम एक ये श्वसन तंत्र का चित्र देख के समझते हैं, फिर इसके एक एक पार्ट को देखेंगे। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, ये देखिए हमारा नेजल पार्ट है, ये हमारा नेजल पार्ट है, नेजल चैम्बर है। उसके नीचे फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे फिर लैरिंग्स आएगा, फिर उसके बाद हमारा श्वास नली आती है। श्वास नली से दो फेफड़े जुड़े होते हैं। कितने फेफड़े जुड़े होते हैं? दो फेफड़े जुड़े होते हैं, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड, ठीक है। ये देखिए आप सबको ये फेफड़े दिखाई दे रहे होंगे, और दोनों फेफड़ों में जो दाहिने तरफ का फेफड़ा होता है उसमें तीन लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? उसमें तीन लोब होते हैं। और जो बाएं साइड का फेफड़ा होता है उसमें दो लोब होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि चित्र में आप सबको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? वो नेजल कैविटी से होती है, नेजल कैविटी यानी कि नासा गुहा। फिर उसके आगे हम जाएंगे तो ग्रसनी वाला पोर्शन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ग्रसनी वही पार्ट है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन रास्ता होता है। जब हम भोजन करते हैं, जब खाना खाते हैं, तो भोजन का जो बोलस बनता है उसका पार और जो सांस जाने का, दोनों का रास्ता ये ग्रसनी से होकर ही जाता है, ठीक है। ग्रसनी के पास ही में एक ढक्कन होता है जिसको इपिग्लॉटिस बोलते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वही इपिग्लॉटिस श्वास नली को ढक लेता है, जिससे भोजन हमारे फूड पाइप यानी कि आहार नाल में चला जाता है और श्वास नली में नहीं जाता है। उसके नीचे हम देखेंगे तो श्वास नली दो भागों में बट जाती है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिया दो भागों में बट जाएगी, एक दाहिने फेफड़े में जाती है और एक बाएं फेफड़े में जाती है। फिर दाहिने फेफड़े में जो ट्रैकिया जाती है वो फिर कई भागों में, जैसे पेड़ की टहनी होती है उस तरह से कई भागों में डिवाइड हो जाती है, और जो दाहिने लंग्स में जाती है वो भी कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर जो ट्रैकियोल्स होते हैं, जो ट्रैकिया होती है, उसके जो लास्ट का पार्ट होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई वही फेफड़े का पार्ट है जहाँ से ब्लड और ऑक्सीजन दूसरे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में जाता है और ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, बस इतना आप सब ध्यान रखिएगा इसकी इमेज कि दो लंग्स हमारे होते हैं, एक दाहिना एक बायां, बाएं में दो लोब होते हैं और दाहिने में तीन, और जो फेफड़ा हमारा होता है वो डायफ्राम के ऊपर होता है। ये देखिए नीचे का जो पोर्शन, इसको डायफ्राम कहते हैं, और फेफड़े जो हैं वो पसलियों से ढके हुए होते हैं, पसलियों से कवर होते हैं। ये रिब्स हैं, ठीक है, ये सब रिब्स हैं। ये जो हमारा बायां फेफड़ा दिख रहा है ये उसकी कट दिखाई गई है, ये अंदर का पोर्शन दिखाया गया है, और बाहर से फेफड़ा ऐसे पूरा कवरिंग रहता है, ठीक है। तो ये पसलियों से पूरा कवर रहता है, पसलियाँ क्या करती हैं? इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब हम एक एक पार्ट को इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे, आगे देखते हैं। मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। नंबर एक पे है नोज, नाक। नंबर दो पे है ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। नंबर तीन पे स्वरयंत्र, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। नंबर चार पे है श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। और पांचवे नंबर पे हमारा है फेफड़ा, लंग्स, ठीक है। इसके बाद अब हम नोज की बात करते हैं, तो यह श्वसन मार्ग का प्रथम अंग है, जिसमें दो अंडाकार नासिका छिद्र, जिसको नोस्ट्रिल्स कहते हैं, होते हैं। दोनों नासिका छिद्र अंदर की ओर अलग अलग नासिका वेश्मों, जिसको हम नेजल चैम्बर बोलते हैं, में खुलते हैं। दोनों नासिका वेश्म यानी कि नेजल चैम्बर एक नासा पट्टिका, जिसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम,
द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर नाक के अंदर हमारे नेजल सेप्टम ना हो तो दोनों नाक का एक ही रास्ता हो जाएगा, मतलब दोनों नाक जो अलग अलग दाईं बाईं और विभेदित हैं वो किसके वजह से, वो नासा पट्टिका या नेजल सेप्टम की वजह से। आगे देखते हैं, प्रत्येक नासिका वेश्म का अगला भाग रोमयुक्त होता है, क्योंकि जो हमारे नाक के अंदर कुछ रोएँ पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रघाड़ कहते हैं, और इंग्लिश में उसको वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रघाड़ यानी कि वेस्टिब्यूल्स के पीछे एक छोटा सा भाग घ्राण क्षेत्र होता है, घ्राण क्षेत्र या ऑल्फैक्टरी रीजन जिसको कहते हैं, जो सूंघने में मदद करता है। ऑल्फैक्टरी रीजन होते हैं जिसका मुख्य कार्य सूंघना होता है। इस घ्राण क्षेत्र के पीछे श्वसन क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में स्थित इपिथीलियम के नीचे रक्त कोशिकाओं का जाल फैला होता है। नासिका वेश्म अंदर की ओर मृदु तालु के ऊपर नासाग्रसनी बनाते हैं जो स्वर यंत्र में खुलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्वर ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। यह पाचन तथा श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आती है, मतलब दोनों का कॉमन रास्ता होता है। इसमें नासिका वेश्मों से वायु पहुंचती है और यहां से वायु श्वास नली में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं स्वरयंत्र, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जहां से हमारी आवाज़ निकलती है या बात करते हैं। तो यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। स्वर यंत्र की दीवार उपास्थियों के 9 टुकड़ों द्वारा बनी होती है। ठीक है, एक जो श्वास नली होती है उसके ऊपर, जैसे ये श्वास नली है इसके ऊपर ऐसे ऐसे सीट की बनी होती है, 9 उपास्थियाँ होती हैं। ठीक है, तो वही 9 टुकड़ों द्वारा बनी होती है। स्वर यंत्र में लचीले तंतु का बना स्वर कोश यानी कि वोकल कार्ड्स होता है। फेफड़ों द्वारा निकली वायु स्वर कोशों को कंपित करती है जिससे आवाज़ निकलती है। आगे देखते हैं, बच्चों और महिलाओं में स्वर कोश छोटा होता है जिसकी वजह से इनकी आवाज़ का तारत्व उच्च होता है। तारत्व मतलब जो हाई पिच होता है, मतलब जो पिच होती है, मतलब बहुत तीखी आवाज़ लगती है, वो महिलाओं में हाई होती है, उसको हम तारत्व कहते हैं। ठीक है, और ध्वनि उत्पादन के अतिरिक्त स्वर यंत्र का कार्य होता है खांसना, भोज्य पदार्थ को निगलना तथा श्वास या ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं भी होता है। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक है, जैसे सांस लेना है बाहर छोड़ना, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। और स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन जैसी रचना इपिग्लॉटिस होती है। यह भोजन निगलते समय श्वास नली को बंद करने का कार्य करती है, इसलिए कि ताकि भोजन श्वास नली में ना पहुंच जाए। और कभी कभी मान लीजिए दुर्घटना से या खाते समय हम बोलते हैं या छींक आ जाती है तो इपिग्लॉटिस खुल जाता है, जिससे कुछ खाना या पानी का कोई कण हमारे श्वास नली में चला जाता है, तो हमें बहुत तेज से छींक आती है और फिर वो भोजन जो श्वास नली में चला जाया रहता है वो नाक के ही रास्ते से वापस आ जाता है। ज़्यादातर आप बच्चों में देखे होंगे, तो वही है। मनुष्य की गर्दन में स्वर कोश सामने की ओर उभरा हुआ होता है, मतलब जो ह्यूमन होता है, हम लोग जैसे होते हैं, तो हम लोग गले में ये जो हड्डी होती है ये स्वर कोश होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ, मेल में ज़्यादा उभरा हुआ होता है, फीमेल में थोड़ा कम उभरा हुआ होता है, ये स्वर कोश होता है। आगे हम देखते हैं श्वास नली ट्रैकिया की बात करते हैं। तो स्वर यंत्र के पीछे की ओर श्वास नली यानी कि ट्रैकिया में खुलता है, और श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वास नली की दीवार को मजबूती प्रदान करने हेतु हाईलाइन उपास्थि, कौन सी उपास्थि, हाईलाइन उपास्थि से बने सी आकार के अपूर्ण वलय इसकी दीवार में पाए जाते हैं। ठीक है, श्वास नली की दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें हाईलाइन कार्टिलेज होता है, उससे सी आकार के अपूर्ण वलय की दीवार बनाते हैं। और इन्हीं उपास्थ के बलियों के कारण
श्वास नली की दीवारें वायु की अनुपस्थिति में भी आपस में चिपकती नहीं है। मान लीजिए हम सांस नहीं ले रहे हैं तो हमारी श्वास नली क्या हो जाती है, हमारी श्वास नली खाली हो जाती है, लेकिन श्वास नली खाली होने के बावजूद भी वो आपस में चिपकती नहीं है। क्यों नहीं चिपकती है? क्योंकि इसमें जो उपास्थि के वलय पाए जाते हैं वो उसको चिपकने से रोकते हैं। इसके बाद श्वास नली वक्ष गुहा में पहुँचते ही विभाजित होकर दो श्वसनियों यानी ब्रोंकाई जिसको बोलते हैं बट जाती है। वही एक जो ब्रोंकाई राइट लंग्स में जाती है और एक लेफ्ट फेफड़े में जाती है। आगे देखते हैं, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में पहुँचकर श्वसनिकाओं ब्रोंकियोल्स जिसको बोलते हैं श्वसनिकाओं में बट जाती है और जिन्हें वायुकोष्ठ वाहिनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वाहिनी का अंतिम छोर छोटे छोटे वायुकोश में खुलता है और प्रत्येक वायुकोष्ठिका जिसको हम एल्बुलाई कहते हैं फेफड़ों की संरचना एवं कार्यकी की इकाई होती है। जैसे न्यूरॉन जो है इकाई होता है हमारे नर्व सिस्टम का, वैसे ही जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जो श्वसन तंत्र होता है उसका जो उसकी जो इकाई होती है वो एल्बुलाई होती है, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं फेफड़ों में वो हजारों एल्बुलाई पाए जाते हैं। ठीक है, हजारों क्या लाखों की संख्या में एल्बुलाई होते हैं जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, लंग्स की बात कर लिया जाए तो जो फेफड़े होते हैं हमारे ये वक्ष गुहा में दोनों तरफ एक एक स्पंजी गुलाबी लगभग शंकुआकार फेफड़ा पाया जाता है। प्रत्येक फेफड़ा दो कलाओं से घिरा होता है जिसे प्लूरा कहते हैं। मतलब जो हमारा फेफड़ा होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लूरा कहते हैं। और बाहरी प्लूरा डायफ्राम वक्ष दीवार से चिपका रहता है जबकि आंतरिक प्लूरा फेफड़े को घेरा रहता है। ठीक है, और दोनों प्लूरा के बीच प्लूरल गुहा पाई जाती है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं और जिसमें प्लूरल द्रव या प्लूरल लिक्विड भरा रहता है। यह प्लूरल द्रव फेफड़ों को आघातों या घर्षण से रक्षा करता है जिससे कभी गिरने पे या किसी तरह से फेफड़ों को चोट ना लग जाए उससे बचाता है हमारा प्लूरल द्रव। ठीक है, और मनुष्य के दाएं फेफड़े में तीन पालियां या तीन लोब्स होते हैं जिसको हम बता ही चुके हैं और बाएं फेफड़े में दो लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय भी स्थित होता है। ठीक, और बाएं फेफड़े की अवतली खांच को हृदयी खांच या कार्डियक नोच कहते हैं क्योंकि इसी में हृदय स्थित होता है। जो बायां फेफड़ा होता है वहाँ का जो कार्डियक नोच होता है उसी में हृदय स्थित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है द्वारा पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कोई भी धमनी हो सब में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर धमनी के आगे यह लिख दिया जाता है कि पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी तो इसका मतलब उसका उल्टा हो जाता है, इसका मतलब कि उसमें अब अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो ऐसी ही बात होती है सिरा को भी लेकर। सिरा में हमेशा कैसा रक्त बहता है, सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब बात की जाए पल्मोनरी सिरा की तो हमेशा उसमें शुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, धमनी है, धमनी का मतलब शुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ क्या लिखा है फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त है। ठीक, आगे देखते हैं। वैसे ये जो धमनी सिराएं हैं हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र वाले में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी इतना आप समझिए कि फुफ्फुस धमनी है तो इसमें अशुद्ध रक्त होगा और फुफ्फुस सिरा है तो उसमें शुद्ध रक्त होगा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर की एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है,
जैसे यह एकमात्र धमनी है फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वैसे ही यह एकमात्र सिरा है जिसको फुफ्फुस सिरा कहते हैं जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं डायफ्राम। डायफ्राम वही पार्ट है जो हमारा लंग्स होता है। मान लीजिए ये दोनों लंग्स है तो लंग्स के नीचे ये डायफ्राम स्थित होता है, उसी की बात करते हैं। तो ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम की उपस्थिति अस्तनियों का मूलभूत लक्षण होता है। मतलब जो अस्तनी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनका ये जरूर लक्षण होता है कि उनमें डायफ्राम जरूर पाया जाता है। और डायफ्राम कैसा होता है? गुम्बदाकार, मतलब डोम शेप्ड का होता है, और पेशी रचना होती है जो वक्ष गुहा तथा उदर गुहा को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। आगे देखते हैं श्वसन का नियमन या रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का रेगुलेशन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो श्वसन की दर वयस्क मनुष्यों में 12 से 15 बार प्रति मिनट तथा शिशुओं में 44 बार प्रति मिनट होती है। शिशुओं में ज़्यादा श्वसन दर होती है वयस्कों की तुलना में। आगे देखते हैं मनुष्य की प्रत्येक सांस में निःश्वसन लगभग 2 सेकेंड की तथा उच्छ्वास लगभग 3 सेकेंड की होती है। तो यहाँ देखिए निःश्वसन क्या होता है, हम जो सांस को या जो वायु को फेफड़े के अंदर भरते हैं उसको हम बोलते हैं निःश्वसन। ठीक है, निःश्वसन जो हम बाहर से वायु को अपने फेफड़े में लेते हैं, खींचते हैं, उसको निःश्वसन बोलते हैं। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु को बाहर छोड़ते हैं, फेफड़ों से जो वायु को हम बाहर छोड़ते हैं उसको हम उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो निःश्वसन में 2 सेकेंड लगता है और उच्छ्वास में 3 सेकेंड, मतलब टोटल जो ब्रीदिंग में 5 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक, और श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से तंत्रिकीय नियंत्रण में होती है। इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इससे संबंधित डिजीज़ कौन कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है अस्थमा का। अस्थमा ये क्या होता है, तो इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यह रोग फेफड़ों, श्वसनियों तथा श्वसनिकाओं की एलर्जी से संबंधित होता है। यह एलर्जी पौधों के पराग कणों, धूल, ठंडी हवा या सिगरेट के धुएं से होती है। मतलब जैसे ये जो अस्थमा होता है ये ज़्यादातर एलर्जी के कारण होता है। और जैसे जो लोग पहाड़ वहाड़ खदानों उदानों में या सिगरेट वगैरह जहाँ बनती है या ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं श्वसनी सोथ। सोथ का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। ठीक है, जब इन्फ्लामेशन किसी चीज़ में हो जाता है तो उसको हम सोथ बोलते हैं। और ये जो TIS लिखा है टिस, ये वहीं लिखा होता है जहाँ इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है। तो श्वसनी सोथ, श्वसनी मतलब ब्रोंकाई होता है और सोथ उसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो वो क्या हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया। तो ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इस रोग में फेफड़ों की श्वसनियों में से स्लेस यानी कि म्यूकस स्रावित होता है तथा श्वसनियों में सूजन एवं जलन होने लगता है, खांसी आती है और धूम्रपान इसका मुख्य कारण है। मतलब जो लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या धूम्रपान करते हैं तो उनको ब्रोंकाइटिस होने के 90% से ज़्यादा चांसेज होते हैं। अगला हम देखते हैं न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया की अगर बात करें तो यह फेफड़ों के वायुकोष मतलब वही जो एल्बुलाई होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। ठीक है, इसी में जलन, सूजन और संक्रमण के कारण होता है। मतलब एल्बुलाई में जो संक्रमण हो जाता है। और न्यूमोनिया रोग का मुख्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणु होता है। ये जीवाणु बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस जीवाणु की वजह से न्यूमोनिया होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक जीवाणु से न्यूमोनिया होता है। अगला हम देखते हैं वात स्फीति। ठीक है, वात स्फीति या इम्फाइसेमा।
इम्फाइसेमा क्या होता है? तो इस रोग में फेफड़ों के वायुकोष एल्बुलाई की दीवारें टूट जाती हैं और जिससे शरीर को उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ये और भी खतरनाक है, ठीक है, ये निमोनिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ कि एल्बुलाई में, निमोनिया में क्या था कि एल्बुलाई में इन्फ्लामेशन हो रहा था, उसमें हवा भर जा रही थी, लेकिन इसमें क्या है कि उसकी दीवारें ही टूट जाती हैं और जिससे शरीर को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता है और फलस्वरूप सांस लेने में कठिनाई होती है और इसका मुख्य कारण स्मोकिंग है। अगला देखते हैं, व्यावसायिक श्वसन रोग, जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज़। ये व्यावसायिक श्वसन रोग ऐसे रोग हैं जैसे जो व्यवसाय से, जैसे कुछ लोग बालू की जगह काम कर रहे हैं, कुछ लोग धूल मिट्टी में ज़्यादा काम कर रहे हैं या खदान में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि जो डस्ट वगैरह निकलती है वो सीधे हमारे लंग्स में जाके उसको इन्फेक्ट कर देती है। तो ये सारे होते हैं व्यावसायिक श्वसन रोग। इसमें देखते हैं ऐसे उद्योगों में जहाँ पत्थर की पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है या अन्य ऐसे ही उद्योगों में अनेक गैसें, धूल कण, धुआं निकलते हैं जो वहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों में फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ पैदा करते हैं। इन रोगों में सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस, मतलब सिलिकोसिस माने जो सिलिका की अधिक से होता है, एस्बेस्टोसिस माने एस्बेस्टस की बीमारियाँ प्रमुख हैं, ठीक है, जो क्रमशः सिलिका तथा रेत और एस्बेस्टस के कारण होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि इतना आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। आज श्वसन तंत्र में इतना ही, इसका एक पार्ट हम और लेके आएंगे जिसमें इसके अंदर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है, कैसे गैसों का विनिमय होता है, कितने परसेंट कैसे लेते हैं, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।